में दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, सॉल्व क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग को कभी कभी क्या लगता है भैया कि गलत हो गया है सर से, तो यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हो, ठीक है। 2 - 1 - 2 - 3। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले इस चैनल पर ऐसा वीडियो कभी नहीं डाला गया था, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो इस पे आज मैं जो बना रहा हूँ क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द गॉस एलिमिनेशन मेथड, और हमारे पास 4 इक्वेशन है। इसका मतलब 4x4 मैट्रिक्स बनेगा इस इक्वेशन का। उसके बाद इसका क्या करेंगे हम लोग, x1, x2, x3, x4 का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन यदि आए तो डायरेक्टली आप लोग को 10 मार्क में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए कैसे इसका इसको सॉल्व करते हैं इस विषय में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे 3x3 मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे इसको, उसके बाद सॉल्व करते थे। तो सेम प्रक्रिया है, सबसे पहले इसको क्या करो, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करो। तो देखो 4 इक्वेशन है, तो हम लोग 4 यहाँ पे क्या ले लिया, बॉक्स ले लिया। उसके बाद देखो x1 का कोफिशियंट कितना है भैया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2। अब देखो यहाँ पे x2 है, x1 तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो x1 कितना है हमारे पास, x1 का कोफिशियंट -2 है, तो -2 ले लेंगे, ठीक। उसी तरह से x2 देखो, x2 के कोफिशियंट कितना है -1, x2 का कोफिशियंट कितना है 4, अब x2 का कोफिशियंट कितना है 3। और देखो यहाँ पे x2 है ही नहीं, इस इक्वेशन में x2 है नजर आ रहा नहीं आ रहा, तो x2 के जगह पे आप यहाँ पे क्या ले लो, 0 ले लो, ठीक है। उसी तरह से x3 का यहाँ पे देखो क्या है कोफिशियंट में, -1, ठीक, यहाँ पे कितना है -3, x3 का कोफिशियंट में -4 है, और x3 का कोफिशियंट में 4 है, ठीक। उसी तरह से आप x4 की जगह पे आओ, x4 क्या है -1 है, और देखो यहाँ पे x4 है कहीं पे भैया, नहीं है, तो x4 की जगह पे आप 0 ले लो, और यहाँ पे x4 का कोफिशियंट कितना है -2, और यहाँ पे x4 के कोफिशियंट में 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली इस मैट्रिक्स को इस प्रकार से बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद एक क्या मैट्रिक्स होता है दोस्तों, बी मैट्रिक्स, ठीक है। बी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, जो इक्वल के इस पर जो भी मान है क्या क्या है, 2, 6, -1, -3, ठीक। उसके बाद एक होता है एक्स मैट्रिक्स, तो एक्स मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसका जिसका हमको मान निकालना पड़ता है, जैसे x1, x2, x3, x4 का, x1, x2, x3, x4, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, सिंपली हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। सिंपली इन दोनों मैट्रिक्स को एक साथ लिख देंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, A.B, तो जो ए मैट्रिक्स है इसको लिखो 1, 2, 0, -2, -1, 4, 3, 0, -1, -3, -4, 4, -1, 0, -2, 3, ठीक। उसके बाद कितना हो जाएगा, 2, 6, -1, -3, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, एगुमेंटेड मैट्रिक्स आपको बना लेना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग R1, इसको क्या बोलते हैं R2, इसको R3, और ये R4, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखो, ऑपरेशन लगाने से पहले सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे 1 है कि नहीं। यदि 1 नहीं रहता तो यहाँ पे हम लोग उसको 1 बनाते, यदि 3 रहता तो डिवाइड बाई इस रूम में 3 से डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे हमारा 1 बन जाता, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे कहीं भी 1 रहता तो इसको रिप्लेस कर देते, ऊपर नीचा कर देते, ठीक। तो यहाँ पे 1 है, तो चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। सिंपली ये जो आप डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो, ये क्या है डायगोनल एलिमेंट, इनके नीचे का ये जो जितने भी हैं, इन सभी को क्या करना पड़ता है, हमको 0 बनाना पड़ता है। तो ये ऑलरेडी 0 है, सबसे पहले इस कॉलम को 0 बनाएंगे। तो देखो इसको 0 बनाएंगे कैसे, ये क्या है भैया R2 है, ये है ना R2 वाला एलिमेंट, इसको हम लोग 0 बना रहे हैं। तो सिंपली लिखना है यहाँ पे R2 माइनस, सिंपली लिखना पहले R2 माइनस R2 का जो भी एलिमेंट है, कितना भैया यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू किसके कंपेरिजन में करना है, हमेशा R1 के कंपेरिजन में, ठीक है। तो इसको लिखना है R1 डिवाइड बाई जो भी यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो डिवाइड में 1 देंगे, इससे 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको छोड़ देंगे, 1 नहीं देंगे, ठीक है। उसी तरह से देखो यहाँ पे 0 तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पे लगाएंगे ही नहीं ऑपरेशन। यहाँ पे देखो क्या है -2 है, तो यहाँ पे लगाएंगे, तो ये क्या है भैया R4 है, तो R4 लिखेंगे, और सिंपली लिखेंगे R4 यहाँ पे माइनस R4 का जो भी एलिमेंट है, कितना भैया यहाँ पे -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस तो पहले से है यहाँ पे, फिर -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 2 इंटू R1 के कंपेरिजन में करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे R1, ठीक। तो चलो
अब हमारा आर टू और आर फोर में हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑपरेशन कैसे लगाते हैं इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली देखो ए डॉट बी आपको जैसा है उस तरह से लिख लेना है। देखो रो टू और रो फोर में ऑपरेशन लग रहा है तो हम लोग रो वन जैसे है वैसे तरह से लिख लेंगे, वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन टू, ठीक है। उसके बाद रो टू में हम लोग का ऑपरेशन लगा, देखो भैया हम एक ही आपको ऑपरेशन लगा के बताएंगे क्योंकि ये दूसरा भी लगा के बताएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये वीडियो कम से कम 20 मिनट का बन जाएगा। तो ये देखना ध्यान से कैसे ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे देखो आर टू में लगा रहे हैं तो सिंपली आर टू का एलिमेंट देखो, यहाँ पे आर टू है, आर टू का एलिमेंट देखो कितना है यहाँ पे टू है, टू है ना, तो टू यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस फिर यहाँ पे क्या है टू इंटू आर वन, इसके जस्ट ऊपर आर वन देखो कितना है वन है, तो कितना हो जाएगा टू माइनस टू, तो ये आपको जीरो बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखो यहाँ पे आप देखो आर टू में ही भी देखना है तो आर टू में यहाँ पे भी देखो कितना है भैया फोर है ना, यहाँ पे फोर है तो आर टू की जगह पे फोर पुट करो, तो यहाँ पे फोर पुट कर दिए, फिर माइनस है तो माइनस, टू है तो टू इंटू आर वन, इसके जस्ट ऊपर आर वन देखो कितना है माइनस वन है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा फोर माइनस माइनस प्लस, तो कितना जाएगा सेवन हो जाएगा आपका, ओ फोर टू सिक्स हो जाएगा आपका, ठीक। उसी तरह से सिंपली आप क्या करो माइनस थ्री पुट करो आर टू के जगह पे, आर टू की जगह पे माइनस थ्री पुट करो तो माइनस थ्री हो जाएगा, फिर माइनस टू है तो टू यहाँ पे लिख दिए इंटू आर वन, आर थ्री के ऊपर देखो जस्ट ऊपर कितना है आर वन माइनस वन है तो यहाँ पे माइनस वन दे दो, तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस थ्री, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो सॉरी यार माइनस थ्री क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू टू, तो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस वन हो जाएगा ना। देखो इस यही तो गलती होता है दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान से कैलकुलेशन करना है। उसी तरह से अब देखो यहाँ पे पुट करो, अब आर टू की जगह पे जीरो है तो हम लोग जीरो लिखेंगे माइनस टू इंटू आर वन, इसके जस्ट ऊपर आर वन कितना है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टू प्लस टू हो जाएगा, ठीक। फिर उसी तरह से आपको क्या करना है यहाँ पे सिक्स, आर टू की जगह पे सिक्स लिखना है, सिक्स माइनस टू इंटू आर वन, इसके जस्ट ऊपर आर वन कितना है टू है, तो कितना हो जाएगा छः माइनस चार दो हो जाएगा, ठीक। तो सेम उसी तरह से आपको क्या करना है ये आर फोर पे ऑपरेशन लगाना है। दो अब आर थ्री पे तो कुछ ऑपरेशन नहीं लगा है तो आर थ्री आप उतार लो जैसे है, जीरो थ्री माइनस फोर माइनस टू और कितना है माइनस वन है, ठीक है। उसी तरह से आर फोर है, आर फोर पे ऑपरेशन लगा, देखो आर फोर की जगह पे माइनस टू रखना है तो यहाँ पे माइनस टू रख दो, फिर प्लस है तो प्लस, फिर टू इंटू आर वन, इसके जस्ट ऊपर आर वन देखो कितना है वन है, ठीक है, तो वन दे दो, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट दोस्तों क्या करता हूँ यहाँ पे मैं मान लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जीरो हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, टू वन और हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी हमारा वन हो जाएगा, ठीक। तो जब देखो ये जीरो हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे और इसको जीरो बनाएंगे, किसके कंपेरिजन में भैया ये आर टू के कंपेरिजन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे ऑपरेशन लगाते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस पर ऑपरेशन लगाना है। देखो ये क्या है हमारा आर वन है, ये क्या है आर टू, ये क्या है आर थ्री, ये क्या है हमारे पास आर फोर है, ठीक है। तो आर थ्री में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सिंपली लिखेंगे आर थ्री, तो आर थ्री माइनस आर थ्री का जो भी एलिमेंट है कितना भैया थ्री है, यही है ना। किसके कंपेरिजन में कर रहे हैं आर टू के कंपेरिजन में कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखना है आर टू और आर टू का जो भी एलिमेंट है उसको डिवाइड में लिखना है, कितना है सिक्स है, तो डिवाइड बाय सिक्स करो, तो तीन एक तीन, तीन दुना छः, तो क्या बन जाएगा दोस्तों इसका, ये क्या बन गया आर थ्री, आर थ्री माइनस वन बाय टू बन गया इंटू आर टू, समझ में आ गया, आ गया ना। इसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, कितना अच्छा, कोई एकदम भारी भरकम वाला बात नहीं है, ठीक। तो उसी तरह से देखो अब यहाँ पे लगा ऑपरेशन, ये क्या हो जाएगा आर फोर है, सिंपली लिखना है आर फोर, क्या हो जाएगा आर फोर माइनस आर फोर में जो भी एलिमेंट है कितना भैया यहाँ पे माइनस टू है, तो यहाँ पे लिखो आप माइनस टू डिवाइड बाय इंटू, पहले आर टू लिखो, आर टू के कंपेरिजन में कर रहा है तो, और आर टू की जगह पे यहाँ कितना है सिक्स है तो डिवाइड बाय सिक्स कर दो, ठीक है। तो देखो माइनस से माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दो एक दो दो तिहाई छः, तो कितना हो जाएगा आर फोर इक्वल टू आर फोर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइड बाय वन बाय थ्री इंटू आर टू हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही दोस्तों, ठीक है। अब क्या करो फिर सिंपली वैसे जैसे मैं अभी आपको पुट करके बताया, अब क्या करो कि आर थ्री है, ठीक है ना, आर थ्री की जगह पे क्या रखोगे आपको थ्री रखना है, माइनस वन बाई टू इंटू आर टू, इसके जस्ट ऊपर वाला संख्या सिक्स रख देना है, तो यहाँ पे आपका मान जीरो निकल जाएगा। उसी तरह से क्या करोगे यहाँ पे देखो आर थ्री, आर थ्री की जगह पे आप क्या रखोगे यहाँ पे पहले थ्री रखा उसके बाद माइनस फोर रखो, यहाँ पे माइनस फोर माइनस वन बाई टू इंटू आर टू की जगह पे माइनस वन रख दोगे, ठीक है, तो मान निकल जाएगा। उसी तरह से मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आर थ्री और आर फोर का जो भी हमारे पास मान निकल रहा है, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, जब ऑपरेशन आप लगाओगे तो सिंपली इसका जो मान आ जाएगा 0 -7/2 -3 और -2 आ जाएगा, उसी तरह से 0 0 5/3 5/3 5/3 आएगा, ठीक है। तो देखो जब तीनों में 5/3 5/3 5/3 है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0 हो जाएगा, ये भी 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे देखो 5/3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 3/5 से, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 1 बच जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग 1 लिख दिए, यहाँ भी 1 लिख दिए और यहाँ भी हम लोग क्या कर दिए 1 लिख दिए, ठीक। अब क्या करो, देखो सिंपली हम लोग इसको तो कर दिए 0, इन दोनों को भी कर दिए, अब बचा कौन भैया हमारे पास, ये, क्योंकि देखो डायगनल ये हमारा एलिमेंट है ना, यही है ना, तो इसके नीचे बच गया ये, अब इसको 0 करना है भैया। कैसे 0 करेंगे, देखो फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे R4 वाला ऑपरेशन। तो क्या करेंगे, R4 इसको हम लोग किसका कंपेरिजन में करेंगे, R3 का कंपेरिजन में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे R4, सिंपली लिखेंगे R4 माइनस R4 का जो भी एलिमेंट है कितना है भैया यहाँ पे 1 है, किसका कंपेरिजन में करेंगे, R2 के कंपेरिजन में करेंगे। तो R2 लिखेंगे डिवाइड बाय, R2 का यहाँ पे मान कितना है, -7/2 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो इसको यदि अच्छा से हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R4 = R4 + ये देखो 2 पलट के ऊपर चले जाएगा, 2/7 × R2 हो जाएगा, ठीक है। बस आप देखो यहाँ पे यदि आप इसको पुट करोगे तो यहाँ का मान आपका 0 निकल जाएगा। देखो कैसे निकलता है, यहाँ पे कितना है R4 की जगह पे हम लोग 1 रखते हैं, 1 प्लस कितना है 2/7 × R2 जस्ट इसके ऊपर देखना कितना है भैया, -7/2 है ना, -7/2 है। तो देखो आपका कितना जगह, 7 × 14 कितना जगह -1 हो गया, तो +1 -1 तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ इसका जो भी मान आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद। तो देखिए दोस्तों कुछ इतना हो जाएगा, ठीक है, एकदम मैं आपको डायरेक्ट आपका टाइम बचाने के लिए मैं लिख दिया हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो कुछ इतना आ जाएगा, उसके बाद देखो मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये x1 का मान है, ये x2 का, ये x3 का, ये x4 का, ठीक है। तो जैसे लास्ट रो 3 में आप देख सकते हो x1 का भी मान 0, x2 का भी मान 0, x3 का भी मान 0 और x4 का मान हमारे से बचा हुआ है। तो यहाँ पे लिखो क्या मान निकालने के लिए, 1/7 × x4 = कितना हो जाएगा भैया, 3/7, ठीक। तो यहाँ से x4 का मान कितना निकल जाएगा, 3/7 है, एक गुना में इधर आएगा तो भाग पलट जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से 7 खत्म, और यहाँ से आपका x4 का मान कितना निकल जाएगा भैया, 3 निकल जाएगा, ठीक। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे x1 का मान 0, x2 का भी मान 0, x3 का मान ये है, तो आपको लिखना क्या, -7/2 x3, यहाँ पे क्या है माइनस, ये क्या है x4 का मान, -3 × x4, x4 का मान कितना निकला, देखो हमारे पास 3 निकला है, तो हम लोग लिखेंगे 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, = कितना हो जाएगा -2, तो -2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -7/2 x3 = कितना हो जाएगा, देखो 3 × 3 = 9, -9 हो जाएगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा +9, तो कितना हो जाएगा -2 + 9, तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग का x3 का मान कितना निकलेगा, -7, गुना में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 2/-7, तो यहाँ से यहाँ कट गया, तो x3 का मान आपका क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, ठीक है। x4 का भी मान निकल गया और आपका x2 का भी मान यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, निकल गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली 2 नहीं दोस्तों -2 निकलेगा, क्योंकि देखो ये +9 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे +7 आ जाएगा, जब +7 आ जाएगा तो ये प्लस या -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका x3 का मान -2 निकल गया, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंपली। अब यहाँ पे देखो ये क्या है भैया, x1 का मान 0 है, यहाँ x2 है, 6x2 - x3 + 2x4 = 2, ठीक है। तो 6x2 - x3 का मान हमारे पास कितना निकला है भैया, -2 निकला है, फिर प्लस 2x4 का मान हमारे पास कितना निकला है, 3 निकला है, देख सकते हो = 2, तो 6x2 = कितना हो जाएगा, +2 + 6 क्या हो जाएगा, +8, बराबर के उस पर जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -8 + 2, तो -6 हो जाएगा, और x2 का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना, 6 से 6 कैंसिल, तो -1 निकल जाएगा, x2 का मान हमारा कितना आ गया दोस्तों, -1 आ गया, ठीक। तो चलिए अब हम लोग सिंपली x1 का मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो x1 का मान हम लोग ऊपर में निकाल लेते हैं, देखो यहाँ से निकल गया x4 और x3, x2 का मान निकल गया और x4 का मान यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। तो देखो ये क्या था, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, x1 हो जाएगा -x2 - x3, यहाँ पे माइनस है तो -x4 = 2, तो x1 है, फिर -x2 का मान कितना भैया हमारे पास अभी निकला है,
माइनस वन निकला है, माइनस एक्स थ्री का मान कितना निकला है, माइनस टू निकला है, और फिर माइनस एक्स फोर का मान कितना निकला है हमारे पास, थ्री निकला है, इक्वल टू टू। तो यहाँ से हमारा एक्स वन का मान निकल जाएगा, वो कितना आ जाएगा दोस्तों, एक्स वन का मान माइनस वन आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोग का, एक्स वन का मान टू आएगा शायद यहाँ से, ठीक है, टू आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं बुक में दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, सॉल्व क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग को कभी कभी क्या लगता भैया कि गलत हो गया है सर से, तो यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हो, ठीक है, टू माइनस वन माइनस टू थ्री, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।